नमस्कार सभी किसान भाइयों को, एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं। देखिए, आज मैं आपको जो दिखाने जा रहा हूँ, ये आप जो सामने देख पा रहे हैं, ये हमारा वर्मी कंपोस्ट बेड है। इसके अंदर अगर आप बात करेंगे, उत्तर भारत में बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, तो मैं आपको ये आज ये बताने वाला हूँ कि बारिश के अंदर कितनी बड़ी समस्या आ सकती है अगर आपने इसको सही तरीके से मैनेज नहीं किया। क्योंकि देखिए, अगर आप देख सकते हैं, ये हमने इस तरीके से ये बेड बनाया हुआ है। आगे जो आप ये सामने देख पा रहे हैं, ये यहाँ से ये इसमें से वर्मी वॉश कलेक्ट होता है। ये अभी भी आप देख रहे हैं, धीरे धीरे इसके अंदर ये बह के ये यहाँ से आगे इसके अंदर इकट्ठा हो जाता है वर्मी वॉश। तो अभी बारिश के अंदर मैं देखिए आपको क्या बताने वाला हूँ, ये हमने एक शेड बना रखा था जो देखिए बारिश के बाद इस तरीके से नीचे की तरफ बैठ गया है। बीच में से एक रस्सी की सपोर्ट थी, वो टूट गया। उसके बाद में प्रॉब्लम ये आई कि इसके ऊपर लगातार बारिश का पानी गिरता रहा। हमने बारिश से बचाने के लिए ये किया हुआ था, लेकिन बहुत ज़्यादा बारिश होने की वजह से इसके ऊपर पॉलीथीन था वो भी हट गया और इसके ऊपर लगातार बारिश का पानी गिरता रहा, जिसकी वजह से प्रॉब्लम क्या आई अभी मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए, ये जो हमने निकाला हुआ है, ये वर्मी कंपोस्ट हमारा पहले तैयार हुआ था। इसके अंदर हमने ट्राइकोडर्मा को मल्टीप्लाई करने के लिए डाला था, लेकिन अभी 4-5 दिन हो गए हैं, ये ज़्यादा तो स्टार्ट नहीं हुआ है मल्टीप्लाई होना। बहुत हल्का आप देख सकते हैं, ये ऊपर से अभी फंगस आना स्टार्ट हुआ है, तो शायद ये अभी लेगा थोड़ा सा समय, और अप्रोक्सीमेट 20 से 22 दिन इसमें लग जाते हैं मल्टीप्लाई होने में। तो मैं आज जो आपको दिखा रहा हूँ, इसके अंदर ज़्यादा बारिश होने की वजह से अगर आप देखेंगे तो बहुत ज़्यादा गीला ये हो गया है अभी कंपोस्ट, और इतनी ज़्यादा नमी इसको पसंद नहीं होती है। और फिर देखिए ये क्या होता है, ये केंचुए सारे इसके अंदर से बाहर निकल के भागने लग गए हैं। अब ये देखिए, अभी मैंने ये बोरी आपको ये हटाई है यहाँ से, तो ये दिक्कत क्या आती है, अगर आपकी ये बाउंड्री छोटी होती है जो ये साइड के ऊपर से आप देख रहे हैं, हमने इसको हल्का हल्का रखा था, क्योंकि केंचुआ क्या होता है कि ये सेंसिटिव होता है, इसकी आंखें नहीं होती, तो ये जहाँ पे भी इसको सामने कोई चीज़ थोड़ा सा ऊंचा लगेगा, टकराव सामने होगा, तो ये वापस मुड़ जाते हैं। तो लेकिन ये अभी क्या दिक्कत हुई कि बारिश बहुत ज़्यादा होने की वजह से इसके अंदर पानी भर गया, और पानी भरने से हर कोई अपनी जान बचाने की कोशिश करता है। इन्होंने धीरे धीरे इसके ऊपर से निकल के बाहर निकलना स्टार्ट कर दिया। अगर अभी मैं दिखाऊंगा तो आपको कई जगह ऐसी होंगी जहाँ पे केंचुआ मिल जाएगा, कोई भी चीज़ हटाएंगे। ये देखिए, ये मैंने यहाँ से हटाई है, ये केंचुआ वहाँ से बाहर आ गया निकल के। अब हमें इसको वापस यहाँ से इकट्ठा करते हुए दोबारा से उसके अंदर छोड़ना पड़ेगा, और इससे बहुत ज़्यादा केंचुए का नुकसान हो जाता है। कोई भी चीज़ आप हटा के देखेंगे इसके आसपास में, तो ये देखिए, फिर से यहाँ पे भी आप देख पाएंगे, ये यहाँ भी इसी तरह से केंचुए बाहर आ गए हैं इससे निकल के। तो आपको इस चीज़ का ख़ास तौर पे ध्यान रखना है कि जहाँ पे भी आप ये कर रहे हैं उसका थोड़ी सी हाइट ज़्यादा रखी है। देखिए, ज़मीन में भी जा रहे हैं, लेकिन ये ज़मीन में जाने में ऐसी कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन समस्या सिर्फ ये है, एक तो आपको केंचुए का लॉस होता है, और एक ये बहुत ज़्यादा लंबा टाइम तक मिट्टी खाने के बाद सर्वाइव नहीं कर सकते, क्योंकि ये 90% गोबर या कार्बनिक पदार्थ ही खाते हैं, ये और चीज़ें नहीं खा पाते। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है, आप आपके ये जो होता है इसकी शेड चारों तरफ से, एक तो शेड को ऊपर से मजबूत रखें, और एक जो ये साइड की हमने ये बाउंड्री दिखाई है, ये थोड़ा सा ऊँचा रखें, ख़ास तौर पे जहाँ पे आपको ये लगता है कि बारिश का भराव हो सकता है। और इसके अंदर भी देखिए, मैं ट्राइकोडर्मा जो आपको बताया था कि जिसके अंदर हमने ट्राइकोडर्मा मल्टीप्लाई के लिए रखा हुआ है, इसके अंदर भी केंचुए आपको नज़र आ जाएंगे, वो वहाँ से निकल के, ये देखिए आप, ये कितने ज़्यादा केंचुए हैं, ये उसके अंदर से निकल के और यहाँ आ गए हैं, यहाँ आ करके सब इकट्ठे हो गए हैं। तो अगर ये इस तरह से बाहर निकल के जाएंगे तो आपको इसका बहुत बड़ा लॉस होगा, और आपको खाद जो तैयार होना है वो बहुत ज़्यादा लंबा टाइम लगेगा, क्योंकि केंचुए की कमी वहाँ पे हो जाती है। तो बस आज मैं इतना ही बताने वाला था आपको वर्मी कंपोस्ट के बारे में। पहले भी आपको मैंने लगातार जानकारी दी है, ये एक बेड हमने यहाँ पे अंदर बनाया हुआ है घर के अंदर अपने फार्म से, जो हम अपने पर्सनल यूज़ के लिए यहीं से यूज़ कर लेते हैं, ताकि हमें अपने वर्मी कंपोस्ट फार्म से वहाँ से लेके ना आना पड़े, और यहीं की यहीं हमारा इसके साथ में प्रयोग कर लेते हैं, जो अब मैं आपको बाहर दिखा रहा हूँ। पहले भी मैंने आपको कई वीडियोज़ डाली हैं, ये जो हमारा किचन गार्डनिंग का सेटअप है बाहर, अभी बेल और ये पौधे चले हुए हैं। उम्मीद करता हूँ आप सबको इसका लाभ मिलेगा, जो भी साथी वर्मी कंपोस्टिंग करते हैं। तो इस चीज़ का ख़ास तौर पे ध्यान रखें, पानी का भराव और पानी इसके ऊपर बारिश का डायरेक्ट पानी ना गिरना चाहिए। धन्यवाद सभी का।